नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइना के डिफेंस बजट के ऊपर, जिसे पहले से बढ़ा दिया गया है। और ये डिसीजन तब लिया गया जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग हो रही थी कल, उसके अंदर। और साथ ही उन्होंने अपनी जीडीपी का भी कोई लक्ष्य नहीं रखा है। लेकिन आज हम उनके डिफेंस बजट के इस बढ़ने के ऊपर क्या इंडिया के लिए कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर है यूएस के बाद में। उसने अपने डिफेंस बजट को बढ़ा दिया है। लास्ट ईयर जो 177.6 बिलियन डॉलर का था, अभी यह 179 बिलियन डॉलर का होगा, जो कि इंडिया के बजट से 3 गुना ज्यादा है। हालांकि इसके अंदर दोस्तों जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो डिफेंस बजट के अंदर ग्रोथ हुई है, वो सबसे कम है। और ये 6.6% है 2020 के अंदर। और ये ड्राफ्ट दोस्तों चाइना की नेशनल कांग्रेस मीटिंग के दौरान हुआ। स्टेट रन शिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने बताया कि 2020 के अंदर जो डिफेंस बजट कंटिन्यू किया गया है, ये सिंगल डिजिट ग्रोथ के अंदर है। और ये पांचवें कंटिन्यू ईयर के अंदर ऐसा किया जा रहा है। और इसके पीछे दोस्तों कारण ये है कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा स्लो हो रही है। ये 6% से सीधी 2% पे आ गई है। 2019 के अंदर चाइना ने जो डिफेंस बजट के हिसाब से स्पेंड किया था, वो यूनाइटेड स्टेट का क्वार्टर था, यानी कि चौथा हिस्सा था। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको डिवाइड करें पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, तो ये 117th था अमेरिका के कंपैरिजन में। दोस्तों अभी झांग युसुई जो मीडिया को रिपोर्ट कर रहे थे, और वो एनपीसी के स्पोक्स पर्सन है, यानी कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वे उन बातों पर जवाब दे रहे थे जिसके अंदर चाइना को क्रिटिसाइज किया जाता है ट्रांसपेरेंसी के लिए किसी भी डिफेंस एक्सपेंडिचर को लेके। क्योंकि दोस्तों डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि बीजिंग का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा है, ये जो अनाउंस किया जाता है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। क्योंकि जो मॉडर्न वेपन एक्वायर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, और अनाउंस कुछ और ही होता है। और झांग ने ये बताया कि उनके पास कोई भी हिडन मिलिट्री स्पेंडिंग नहीं है। वे 2007 से अपनी सारी मिलिट्री एक्सपेंडिचर की जो लिस्ट है वे यूनाइटेड नेशन को देते हैं, और इसके अंदर कहीं से भी कोई भी चीज नहीं छिपाई जाती है। और दोस्तों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री, उसकी जो रिपोर्ट है 2019 की, उसके अनुसार चाइना ने जो डिफेंस स्पेंडिंग की है वो 232 बिलियन डॉलर की है। और चाइना हालांकि अपने आप को अमेरिका से कंपेयर करता है डिफेंस बजट के अंदर, हालांकि वह बहुत पीछे है। और सिप्री के अनुसार ही जो अमेरिका का डिफेंस बजट था वो 732 बिलियन डॉलर था। लेकिन दोस्तों चाइना का इस तरह से बजट को बढ़ाया जाना एक्चुअल में इंडिया और बहुत सी कंट्रीज को टेंशन में ला देता है, क्योंकि उन्हें भी बैलेंस को बराबर रखने के लिए अपने डिफेंस बजट को बढ़ाना पड़ता है। और इंडिया का लास्ट ईयर का जो बजट था वो था 66.9 बिलियन डॉलर, जो कि चाइना से बहुत ही कम है, और 2.7 टाइम्स उससे कम है। और चाइना का जो दोस्तों ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी के रेशियो के हिसाब से बात करें, तो उसका डिफेंस स्पेंडिंग 1.3% है, और जो कि वर्ल्ड के एवरेज 2.6% से बहुत ज्यादा कम है। और चाइना के डिफेंस बजट ने रिसेंट वर्षों के अंदर बहुत ज्यादा लाइमलाइट हासिल की, क्योंकि इसका जो लक्ष्य था वो स्पेशली मॉडर्नाइजेशन का था, जिसके अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए जाने थे, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और रैपिड डेवलपमेंट शामिल थी नेवल फ्रिगेट्स के ऊपर। और जब से दोस्तों चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पावर के अंदर आए हैं, तो डिफेंस फोर्सेस के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। स्पेशली आर्मी की बात करें तो 3 लाख ट्रूप्स को कम किया गया है, जबकि नेवल और एयर पावर के ऊपर ज्यादा बढ़ोतरी की गई है उनको मॉडर्नाइज करने के लिए। और चाइना के पास अभी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, दूसरा जो है वो ट्रायल्स कर रहा है, और तीसरा जो है उसे बनाया जा रहा है। और ऑफिशियल मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से चाइना का प्लान है 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर नियर फ्यूचर के अंदर बनाए जाने के लिए, और इससे वह यूएस को पूरे वर्ल्ड के अंदर टक्कर देगा, स्पेशली दोस्तों साउथ चाइना सी के अंदर। और दोस्तों चाइना साउथ चाइना सी के अंदर बहुत से एरियाज के ऊपर अपना क्लेम करता है, जिसके ऊपर दोस्तों दूसरे देश जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी अपना क्लेम करते हैं। और चाइना दोस्तों न केवल साउथ चाइना सी बल्कि ईस्ट चाइना सी के अंदर भी अपना दबदबा चाहता है, और बहुत से उसने आइसलैंड के ऊपर कब्जा भी कर रखा है और उसके ऊपर अपना कंट्रोल भी दिखाता है। और रीजन इसके पीछे ये है कि दोस्तों ये मिनरल्स ऑयल्स के बहुत बड़े भंडार है और नेचुरल रिसोर्सेज इसके अंदर बहुत ज्यादा है, और इसी के ऊपर वह कब्जा करना चाहता है। तो ऐसे में दोस्तों चाइना के बढ़ते बजट से हमें भी कुछ एक परेशानियां जरूर होंगी, लेकिन इंडिया उनको काउंटर करने के अंदर सक्षम है। धन्यवाद। जय हिंद।